गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अनिल कुमार स्वाई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द जीकेआरवी ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर दिस सेशन। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन कॉमन एंड प्रॉपर। स्टूडेंट्स, द चैप्टर नंबर इज 4। इफ यू वॉन्ट टू डू अबाउट द पेज नंबर देन आई विल टेल यू व्हाइल स्टूडेंट्स हैव given you instruction while you are watching this video, please carefully go through the textbook. Then only you can understand. When you will refer, then only you can understand what I am teaching. So, the first of all, in the previous classes, I have taught you sentence, narrative sentences. Now, the new topic is nouns, common and proper. Friends, what is a noun? As we know that what is we have studied our sentences, then in sentences different types of words are there. Okay, the first thing we'll study in grammar, that is called the nouns, common and proper. Then what is a noun? Before studying what is a common noun, what is a proper noun, we'll try to know that what is the meaning of a noun, what is the definition of a noun. It can be a noun can be a name of a person, place or a thing or animal. Students, you please look at the board. A noun can be a name of a person, place, thing or animal. It can be a name of a person like Sumit, Chinmay. That can be a noun. Then place, name of a place, Mumbai, Delhi, Bhuneshwar. Thing or animal, name of the animal. We know the name of the animals, so that is called a noun. Then उसके बाद बच्चों, नाउन को संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, उसको कैसे विभाजित किया गया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, नाउन का मतलब जैसे मैंने अभी इंग्लिश में बताया है कि नाउन जो है उसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, वो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई जानवर का भी नाम हो सकता है। बच्चों, इससे आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया नाउन का मतलब क्या है, वैसे ही अभी हम पढ़ेंगे दो प्रकार के नाउन। यहाँ पे सबसे पहले नाउन तो चार प्रकार के होते हैं, पहले हम ये दो प्रकार के नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। व्हाट इज ए कॉमन नाउन? यहाँ बच्चों मैंने कॉमन नाउन के बारे में लिखा है, कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जैसे मैंने बताया नाउन का डेफिनेशन, वैसे ही जो नाउन है जो नॉर्मल हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। जैसे ही बच्चों, नेम्स एनी पर्सन, मैंने जैसे अभी अपने दो फ्रेंड्स का जैसे मैंने आपको नाम बताया, वो हो सकता है कॉमन नाउन। उसके बाद बच्चों, प्लेस, कोई भी जगह का नाम हो, जैसे कि खरिया रोड हो, नौपड़ा हो, भुवनेश्वर हो, कटक हो, पुरी हो, वो हो गया जगह का नाम। फिर उसके बाद बच्चों थिंग, उसके बाद बच्चों एनिमल। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, बॉय, मार्केट, देन बुक, लायन। तो बच्चों ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला नाउन जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, कॉमन नाउन। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो क्या है बच्चों प्रॉपर नाउन, उसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि आप पेज नंबर 21 में देख सकते हैं, कॉमन नाउन के बॉक्स के नीचे दिया गया है, इट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। कोई भी कॉमन नाउन हो, वो कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, कोई भी कॉमन नाउन जो है अपने कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर नाउन, जो चैप्टर का दूसरा भाग है प्रॉपर नाउन, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये प्रॉपर नाउन नेम से दोस्तों, ये मैं आधा में छोड़ गया था, मैं आपको अभी पूरा कंप्लीट लिखवा रहा हूँ। ये प्रॉपर नाउन नेम से पर्टिकुलर
person means thing or animal. बच्चों ये अगर हम नाउन का जो दो प्रकार का नाउन है उसका अगर डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन नाउन है नेम्स यानी पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल कोई भी हो सकता है जैसे कि बॉय मार्केट बुक लाइव. लेकिन बच्चों जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे ए प्रॉपर नाउन नेम्स ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल. प्रॉपर मुझे पर्टिकुलर मीन्स कोई भी कोई आपका दोस्त पर्टिकुलर कोई दोस्त हो कोई जानवर हो कोई पैट हो ऐसा नहीं कि सबको बताएगा. यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को या एनिमल को बताएगा. उसका एग्जांपल है बच्चों सबसे पहले कोई इंसान का नाम हो जैसे कि रवि. फिर बच्चों उसके बाद कोई जगह का नाम हो जैसे कि पूरी. पूरी बच्चों जगह का नाम है उड़ीसा में है. फिर बच्चों उसके बाद कोई भी जानवर का नाम हो सकता है जैसे कि हम रैबिट. बच्चों रैबिट एक मतलब पेट है जिसको हम ज़्यादातर घर में रखा करते हैं. फिर उसके बाद कोई भी ट्रेन का हो नाम हो जैसे कि बच्चों द राजधानी एक्सप्रेस. तो बच्चों ये हो गया है प्रॉपर नाउन. ठीक है. और बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन में एक कंडीशन है बच्चों वो है इट डजंट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर नाउन जब प्रॉपर नाउन आता है तब उसमें क्या होता है इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. ध्यान रखना बच्चों जो कॉमन नाउन होता है उसमें जो है ये कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है. बच्चों हमको पता है कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले या किसी भी नाउन का अगर उसको बीच में इस्तेमाल किया जाए तो वो कैपिटल में लिखा जाता है. तो वैसे ही डिफरेंस है कॉमन में कैपिटल लेटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन प्रॉपर नाउन में रवि हो पुरी आई एम गोइंग टू पुरी वी आर इन पुरी तो उसमें क्या होगा बच्चों ये कैपिटल होगा. द राजधानी एक्सप्रेस वी आर ट्रेवलिंग थ्रू राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस वो सब कैपिटल होगा. तो ये हो गया बच्चों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस और इसके कुछ कुछ कंडीशंस जो है. ठीक है. वैसे तो बच्चों नाउन बहुत प्रकार के हैं लेकिन फिलहाल हम चैप्टर नंबर फोर में कॉमन और प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों ये हो गया कंडीशन. इसके बाद आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में. तो बच्चों इसके बाद हम लोग और एक कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे हम कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में. इसलिए मैंने टेबल जैसे एक अंडर यहाँ पे लाइन खींच दिया है दोनों तरफ हम उनके कंडीशंस के बारे में कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों सबसे पहले है कॉमन नाउन रिफर्स टू ए क्लास और ए टाइप ऑफ पर्सन प्लेस और ए थिंग. यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों कॉमन नाउन रिफर्स टू ए क्लास और ए टाइप ऑफ पर्सन type of person place or thing. ये हो गया बच्चों ये और एक कंडीशन है जैसे इससे पहले हम एक कंडीशन पढ़ चुके हैं तो दूसरा एक कंडीशन है उसके बारे में कॉमन नाउन के बारे में बताया गया है. इसके एग्जांपल है बच्चों आई लाइक टू रीड बुक्स. तो बच्चों यहाँ हो गया सबसे पहला एग्जाम्पल कॉमन नाउन रिफर्स टू ए क्लास और टाइप ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग एक प्रकार का आई लाइक टू रीड बुक्स वो लड़का जो भी लड़का जो भी बोल रहे हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. ठीक है बच्चों. इसके बाद अभी हम आएंगे प्रॉपर नाउन में. प्रॉपर नाउन क्या है. प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट क्लास और टाइप. बच्चों यहाँ पे होगा प्रॉपर नाउन रिफर्स टू ए स्पेसिफिक क्लास
specific class or a type of or a type of person. Place or thing. Place or thing. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जिसे आपको डिफरेंस यहाँ बता चुका हूँ, एक क्लास और ए टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर, उसी को यहाँ दर्शाया जाता है, उसी को यहाँ बताया जाता है। इसलिए यहाँ जैसे एग्जांपल है, लाइक टू रीड बुक्स, कोई भी बुक हो सकता है बच्चों, कॉमिक्स हो सकता है, कोई भी कहानी हो सकता है, स्कूल का बुक हो सकता है, कॉलेज का बुक हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर नाउन में ढालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आई लाइक टू रीड बुक्स रिटन बाय, कोई भी राइटर हो, पर्टिकुलर कोई भी राइटर हो, कालिदास हो, विलियम शेक्सपियर हो, ठीक है बच्चों, जैसे कि तुम्हारे कोई किताब कोई लिखता हो, रुडियार्ड किपलिंग हो, कि जनरल बुक जिसने लिखा हो, तो कोई भी पर्टिकुलर एक राइटर का नाम अगर मैं लिख देता हूँ तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाम। जैसे कि बच्चों आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर। बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ है आई लाइक टू रीड बुक्स, मतलब सिर्फ बुक्स, कोई बुक हो सकता है, जैसे मैंने बोला कोई कार्टून बुक हो, कोई कॉमिक्स हो, लेकिन यहाँ जो है प्रॉपर में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक ऑथर का नाम, एक राइटर का नाम हो, जैसे वैसे ही आई लाइक टू रीड बुक्स रिटन बाई शेक्सपियर। बच्चों शेक्सपियर, अब जब बड़े हो जाओगे तो आप शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए बहुत सारे कहानी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेगा, कोई भी पढ़ने को मिलेगा, तो ये हो गया रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ बुक्स लिखा गया है, यहाँ लिखा गया शेक्सपियर मीन्स एक पर्टिकुलर राइटर, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, वही डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। यहाँ स्पेसिफिक, जैसे इससे पहले एक बॉय बोला गया है, लेकिन बॉय जब वो उसका नाम आ जाएगा तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर, मेरा दोस्त है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं क्लास में, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे कोई दोस्त है राम मोहन, जो पर्टिकुलर एक नाम अगर आप बोलोगे वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर सिर्फ बॉयज या गर्ल्स बोलोगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। यही बच्चों यही डिफरेंस है। इससे आगे बच्चों हम लोग अभी एक्सरसाइजेस करेंगे, उसकी कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी ब्लैकबोर्ड में करवा दूंगा, और उसके बाद जो भी है वो आप खुद समझ के कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चे अभी इसके बाद हम चैप्टर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइजेस देखेंगे उसमें क्या क्या है, कैसे आप इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों आप देखोगे, अगर आप पेज नंबर 22 खोलोगे, पेज नंबर 22, उसमें सबसे पहले लर्न में क्या दिया गया है, राइट सी इन फ्रंट ऑफ द कॉमन नाउन्स एंड पी इन फ्रंट ऑफ द प्रॉपर नाउन। बच्चों इसका मतलब है यहाँ 12 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, इसके सामने सी अगर वो कॉमन नाउन्स है, पी अगर वो प्रॉपर नाउन्स है, उसको आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों देखो, मैं आपको दूसरा नंबर एक एग्जांपल देता हूँ, एमएस धोनी। बच्चों आप सब अगर क्रिकेट देख रहे हो तो आप जानोगे एमएस धोनी कौन है। एमएस धोनी हमारे इंडिया के सबसे बड़े मतलब क्रिकेटरों में से एक है, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो एमएस धोनी। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एक इंसान का नाम है लेकिन वो पर्टिकुलर है, एमएस धोनी कोई दोबारा है, कोई दूसरा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये हो गया पी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे प्रॉपर नाउन में पी लिखना काफ़ी है यहाँ पे, जैसा बोला गया है। फिर बच्चों उसके बाद गंगा, गंगा क्या बच्चों, गंगा किसी लड़की का नाम हो सकता है, एक नदी का नाम है वो, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे किसी एक को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, इसलिए बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक प्रॉपर नाम है, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया पी। फिर बच्चों फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, सेवन नंबर, चलो फोर, नंबर फोर देखो बच्चों, नंबर फोर इज शर्ट। बच्चों आप लोग बता रहे हैं शर्ट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने भी फुल शर्ट पहना हुआ है फोल्ड करके, हाफ शर्ट होते हैं, टी शर्ट होते हैं, राउंड नेक होते हैं, उससे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे शर्ट बोला जाए, तो ये हो जाएगा कॉमन।
बहुत सारे शब्द जी, अगर कोई पर्टिकुलर फुल शब्द होता, कोई नाम होता तो उसको प्रॉपर लिखते हैं। फिर बच्चों इसके बाद दिया गया है सेवन, नंबर सेवन को देखो बच्चों, कार। बच्चों कार क्या है? कार तो बहुत प्रकार के कार हैं, मारुति है, हुंडई है, होंडा है, मर्सिडीज है, ऑडी, बहुत सारे नाम हैं बच्चों, जितना तुमने अभी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार गया है, तो एक कार लिखा गया है तो इसको हो जाएगा ये कॉमन, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखो ट्वेल्व, नंबर ट्वेल्व में एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताजमहल। तो बच्चों ये जो ताजमहल है, ताजमहल आगरा में है, ये बहुत ही अच्छा एक स्मारक है, मोन्यूमेंट हम बोल सकते हैं हिस्ट्री में, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ोगे, तो ताजमहल हो जाएगा प्रॉपर नाम, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह का नाम है, ऐसे दोबारा और कोई जगह नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सत्ताईस, तो बच्चों प्रैक्टाइज में क्या है, प्रैक्टाइज में है, प्रैक्टाइज में देखो बच्चों, राइट डाउन टू प्रॉपर नाउन्स अगेंस्ट ईच कॉमन नाउन, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि इसमें एक कॉमन या प्रॉपर नाउन दिया गया है, उसके एग्जांपल्स हमको दोनों देना है। जैसे बच्चों सबसे पहला आपने यहाँ पे किया गया है बॉय, तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, अंकित और डेविड, दो एग्जाम्पल बच्चों। आपको कभी लगता है कि अंकित और डेविड किसी लड़की का नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लड़कों बॉय में दो नाम दिया गया है। फिर बच्चों उसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल है, सॉरी ये हमको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल यही था खाली। दूसरा है डे, व्हाट इज डे, डे कोई भी दिन, जैसे कि मंडे, संडे, मंडे संडे हो गया बच्चों, तो ये हो गया दिन। फिर बच्चों उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको कर दे रहा हूँ, रिवर। रिवर कौन कौन सा रिवर हो सकता है बच्चों? जैसे कि महानदी है, ठीक है बच्चों, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद बच्चों और क्या हो सकता है, एक फेमस रिवर का नाम जैसे कि गंगा, गंगा रिवर, ये हो गया है कोई रिवर का नाम, ठीक है बच्चों। इसके बाद और एक मंथ, जैसे बच्चों ये चल रहा मई का मंथ, इसके बाद आएगा जून, तो बच्चों ये हो गया प्रॉपर नाउन्स। फिर बच्चों इसके बाद फिर बच्चों ये जैसे हमने कंप्लीट किया, नंबर बी में आते हैं बच्चों। बी में क्या देखते हैं हम लोग, रीराइट दिस सेंटेंसेस इन योर नोट बुक, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड एंड सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बच्चों बताता हूँ, ये है नंबर बी। पहला है बच्चों माय बर्थडे कॉल्स, यहाँ पे हमको कैपिटल लेटर लिखना है, बच्चों ये हो गया माय बर्थडे फॉल्स ऑन 23 दिसंबर। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमको कैपिटल लेटर जहाँ जरूरी है वहाँ यूज करना है, और उसके बाद कॉमन नाउन कौन सा है एंड प्रॉपर नाउन कौन सा है वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों 23 एक डेट है, दिसंबर भी एक नाम है इसका, एक मंथ का 23 एक डेट है, बच्चों ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आता हूँ, शिव इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चों यहाँ पे एस यू ई कैपिटल होगा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हो जाएगा मुझे प्रॉब्लम नाम, किसी का नाम है फ्रेंड हो जाएगा कॉमन नाम। फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, ठीक है, कोई हमसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नाम निकाल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा शिव, ठीक है बच्चों। देन ये एग्जाम्पल के बाद इससे आगे हम लोग अभी आगे अभी बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये आप खुद से कर पाएंगे। फिर बच्चों इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कलेक्टिव नाउन्स, ये चैप्टर में और एक चीज़ है कलेक्टिव नाउन्स।
बच्चों कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक समूह एक ग्रुप। यहाँ पे कुछ हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। नाउन्स दैट नेम ए कलेक्शन ऑफ पीपल एनिमल्स बर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है बच्चों, कलेक्टिव का मतलब होता है एक ग्रुप सबको मिला के। यहाँ पे अगर कोई नाउन्स अगर किसी भी इंसान को जानवर को बर्ड्स को सबको मिला के बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल बच्चों, ए ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड ए प्राइड। आप पेज नंबर 24 में देख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड ए प्राइड। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो वर्ड है प्राइड ये बहुत जरूरी है। देखो ग्रुप तो हर किसी का होता है, लायंस का होता है, इसके बाद देखो जो बर्ड्स का है, बर्ड्स का है, बर्ड्स का जो है उसका वर्ड है फ्लॉक। पूरा सेंटेंस में नहीं लिखना बच्चों, सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ। जब एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है तो वो फ्लॉक हो जाएगा, ग्रुप ऑफ लायंस होने से प्राइड हो जाएगा, यही डिफरेंस है। और ग्रुप ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स पता है बच्चों हम जो टास्क खेलते हैं दैट इज कॉल्ड डेक, तो यही डिफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों देखो कलेक्टिव नाउन्स का थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। पीपल अगर इंसानों के बारे में है तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एक कोयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स अगर ग्रुप में गाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोयर, कोरस बोलते हैं जिसको बच्चों। उसके बाद एनिमल्स ऑफ बर्ड्स अगर हैं तो एक पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स का मतलब तो आपको पता है बच्चों लोमड़ी। देन ए लिटर ऑफ पपीज, पपीज मतलब कुत्तों का छोटा बच्चा। देन अगर कोई गाय है, कोई भेड़ बकरी है तो उसको बोलेंगे हर्ड ऑफ काउस एंड कैटल, कैटल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद कैटल, सॉरी कैटल होगा वो, कैटल्स नहीं होगा बच्चों। और उसके बाद कोई सामान हो, ए बंच ऑफ कीज, अगर कोई चाबी एक है तो उसको हम नहीं बोलेंगे। अगर बंच ऑफ कीज जैसे घर का आपको हर कोई कोई अलमारी का चाबी हो, कोई तिजोरी का चाबी हो, एक साथ चार पाँच चाबी होता है तो दैट इज कॉल्ड ए बंच ऑफ कीज। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स का मतलब होता है बच्चों सीढ़ी, एक साथ अगर वो होगा तो होगा ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। और उसके बाद बच्चों फ्लावर्स, फ्लावर्स तो बच्चों आपको पता है कोई गुलदस्ता, दैट इज कॉल्ड बुके। क्या बच्चों, दैट इज कॉल्ड बुके। इतना ही है बच्चों कलेक्टिव नाउन में। इसके बाद हम लोग, ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 25 पे आइए। यहाँ बच्चों कुछ फोटोज दिए गए हैं, मैंने अभी आपको जैसे बताया ये क्या है भाई। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या लिख सकते हैं प्राइड, यहाँ पे जैसे लिखा गया है ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। यहाँ सिर्फ Look at the pictures, then write the appropriate collective nouns below each picture. तो हर एक ग्रुप के नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना। जैसे ये क्या है, जूता, ए पैर ऑफ शूज। बच्चों हम जूता कभी एक ही खरीदते हैं, दोनों एक साथ खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैर, जोड़ी हुई। ठीक है बच्चों, जोड़ी को जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही पैर ऑफ शूज, पैर ऑफ स्लीपर्स, फुटवेयर, एक साथ उसे बोला जाता है। फिर बच्चों जैसे यहाँ पे देखो बर्ड्स का फोटो दिया गया है, देन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो आर्मी का फोटो दिया गया है, सॉरी पैरेंट का फोटो दिया गया है, फिश का फोटो दिया गया है, ये शोल ऑफ फिश, यहाँ होगा शोल। ठीक है बच्चों, वो बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे देखो जैसे हम अभी बोले थे कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे बच्चों जैसे लिखा गया है ए कहाँ के बच्चों, जो ए डेक ऑफ, ठीक है बच्चों डेक ऑफ कार्स। तो ये हो गया बच्चों क्या है कि हमारा चैप्टर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फिर यहाँ बच्चों देखो ये क्या है बुके, जैसे मैंने बोला है बुके, यहाँ पे जो फूलों का गुलदस्ता था दैट इज कॉल्ड द बुके। फिर बच्चों इसके बाद आते में और एक चीज़ है, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। फिर बच्चों इसको जो है ए डैश ऑफ शीप ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, इसको बच्चों यहाँ पे जैसे लिखा गया है ए डैश ऑफ एंट्स कैरिड अ बिस्कुट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलोनी ऑफ एंट्स, तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं एक कॉलोनी ऑफ एंट्स कैरिड अ बिस्कुट। द डैश ऑफ लायंस वाज अस्लीप मींस द प्राइड ऑफ लायंस वाज अस्लीप। ऐसे ही बच्चों हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर बच्चों पढ़ेंगे पेज नंबर 28 में, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन बच्चों आज के लिए इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप सबको ये समझ में आया होगा। और आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद जब आप बुक रिफर करोगे, आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के समझ पाओगे और ये पूरा एक्सरसाइज अपने आप से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है,
goodbye and have a nice day. Thank you.